whatever he has, tell a lie. So that's why I have given opportunity to explain him. Sri Dilip Saikia ji. Dilip Saikia ji. Sir, in this house you also mentioned me. Please. सभापति महोदय महामान्य राष्ट्रपति महोदय की अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रहा है इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही में अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दरंग उदालगुरी वो दरंग उदालगुरी के सभी हमारे जो वोटर्स है आज इस सदन के माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ सभापति महोदय कल सुबह से मैंने धन्यवाद प्रस्ताव पर सभी आदरणीय सांसदों का वक्तव्य सुना विशेष करके एलओपी राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुना आज सुबह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सुना अभी वेणुगोपाल जी को सुन रहा था ये लोग जो आरोप लगाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा सरकार संविधान को खतरे में डाल रहा है देश के कानून व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं मैं उनको यह दिलाना चाहता हूँ सभापति महोदय मैं पहले तो राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनसे विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूँ 140 करोड़ भारतवासियों से तीन कारणों के लिए वो क्षमा याचना चाहिए क्षमा मांगना चाहिए पहला कारण है काल जो उन्होंने उनका उद्बोधन में जो विषय बताया है जो प्राचीन भारत के सभ्यता संस्कृति को उन्होंने जो अपमानित किया है हिंदुत्व हिंदू और सनातन को जिस प्रकार ने उन्होंने समालोचना की है ये हिंदू है तो भारत में ये भारतवर्ष धर्म निरपेक्ष है हिंदू का मेजोरिटी है तो भारतवर्ष आज इस गणतंत्र के इस बड़े सबसे बड़े जो गणतंत्र है इस विश्व में इस गणतंत्र को जो मूलभूत विचार है उसको आगे बढ़ा करके ले जा रहा है तो राहुल गांधी जी ना हिंदू है ना कुछ अलग धर्म का है ये जनता देश का जनता उनको सवाल करते हैं उसका अर्जिन क्या है वो भूल जाते हैं ये सनातन संस्कृति ये भारत के ये जो विरासत है ये भारत का विरासत ही विश्व में हमारे पहचान है दूसरा कारण से मैं राहुल गांधी जी को माफी मांगने के लिए डिमांड करता हूं 1975 25 जून जिस दिन राहुल गांधी जी के दादी तदानीन्तन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने देश भर में संविधान को कुचलने का काम किया था गणतंत्र को खत्म करने का काम किया था लेकिन ये लोग हिस्ट्री अध्ययन नहीं करते हैं करते हैं तो भी उस छुपाने का कोशिश करते हैं लेकिन देश के जनता वो भूले नहीं है 1975 25 जून का दिन नहीं भूला है इसके कारण राहुल गांधी और कांग्रेस देश से माफी मांगना चाहिए 1975 ने हमने जो किया था वो गलत किया था संविधान को खत्म करने वाला काम किया था आज हमको हंसी आता है सभापति जी देश के लोग
अशिक्षित है, जागरूक है। देश के लोग इनके जो हाथी के दांत जिस तरफ होते हैं, एक दिखाने वाला दांत होता है, एक खाने वाला दांत होता है। ये दिखाने वाला दांत दिखाता है, संविधान ऐसे दिखाता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, अगर आपको संविधान दिखाना है तो 1975 का 25 जून का 3922 नंबर ऑर्डिनेंस वो लेकर के घूमे, देश को दिखाए, जनता को, जो हमने 1975 25 जून को क्या किया था गणतंत्र के साथ, संविधान के साथ। तीसरा, कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही गणतंत्र नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं थे। जब सरदार पटेल जी को कांग्रेस स्टेट कमिटी ने उनको प्रधानमंत्री के नाम पर मोहर लगाई थी, तब सरदार पटेल को मेजॉरिटी समर्थन आने के बाद भी सरदार पटेल को छोड़ करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उसके लिए भी राहुल गांधी सदन से और देश से माफी मांगना चाहिए। सभापति महोदय, ये सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, आरएसएस विरोधी, बीजेपी विरोधी और हिंदुस्तान का विरोध करना इनका एक उनका एक हमेशा एक आदत बन गया है। वो नहीं चाहते हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान देश के तीसरे नंबर अर्थनीति बने, हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बने, वो नहीं चाहते, उसको हजम नहीं होता है। उनका भाषा भी पाकिस्तान के जैसे कोई लोग बोलता है, इसी लाइन का ही उनका भाषा होता है। सभापति महोदय, आज हम बहुत दुख के साथ यहां खड़ा हो, इलेक्टोरल सक्सेस राजनीति में चुनाव में हार जीत होता है, सरसों पार हम लोग नहीं हुआ, हम लोग जितना दुखी है ऐसा लगता है उनका व्यवहार से, वो लोग ज्यादा दुखी है। अध्यक्ष सभापति महोदय, वो लोग ज्यादा दुखी हो गया, हम लोग सरसों पार नहीं हुआ तो। पिछले तीन चुनाव का 2009, 2014, 2019 में कांग्रेस को जितना सीट मिला टोटल, आज भाजपा को अकेले 240 मिला, तीनों का जुगफल किया जाए उससे भी कांग्रेस कम होता है। अध्यक्ष महोदय, आप सुनिए, कांग्रेस वाले और कांग्रेस के सपोर्ट में जो इंडिया अलायंस में जो लोग आज बैठे हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को एक उंगली दिखाता है, प्रधानमंत्री जी को उंगली दिखाता है, वो भूल जाता है उनके लिए सर अंगुली उनको दिखा रहे हैं, सर अंगुल उनको दिखा रहा है, चार अंगुल। भ्रष्टाचार का अगर कोई जननी है तो कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार को पदप ने दिया है इस देश में, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। 1959 में अध्यक्ष सभापति महोदय, इस देश में भ्रष्टाचार का, सरकारी भ्रष्टाचार का शुरुआत किसी के जमाने में शुरू हुआ तो पंडित नेहरू जी के कार्यकाल में जीप कैलेंगरी के साथ 1959 में इस देश में भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार का वो सिलसिला शुरू किया है। जवाब दो कांग्रेस, जवाब दो। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं, सदन के सभी मेरे साथी जानते हैं, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक सिक्का का दो पहलू होता है। एक साइड में अगर कांग्रेस का हाथ रहेगा, कांग्रेस का हाथ हमेशा दलालों के साथ में रहता है, हमेशा कमीशन खोरों के साथ में रहता है, हमेशा कांग्रेस का हाथ देश के, कृपया समाप्त करें, गरीब के साथ नहीं है। अध्यक्ष मदद, मेडन स्पीच से मेरा दूसरी बार मैं सुन के आया हूँ, थोड़ा समय हमको बोलना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट से सुनिए, बैठो सुनिए सुनिए, बैठो बैठो, देखो
इतना देखो शौक देखो, तीन चुनाव में 240 का आंकड़ा आप लोग नहीं पहुंचा, इतना आवाज में मत बोलो। आप दिलीप सैकिया जी, आप इधर सुनिए, आप चेयर की तरफ, जी अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, आप उनकी तरफ सुनिए। मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं, राहुल गांधी जी तो उनका दादाजी ने 1962 में आज मणिपुर का बात के लेकर के उन लोग विषय उठाते हैं, बहुत अच्छा है। इतना सोलिडारिटी मणिपुर के साथ दिखाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट को इनके जमाने में सब कुछ मिल गया था, कुछ नहीं मिला था सभापति महोदय। नॉर्थ ईस्ट को 55 साल में अगर किसी ने मदरली एटीट्यूड किसी पार्टी ने दिखाया है, ये कांग्रेस पार्टी है सभापति महोदय। 1962 इंडो चाइना वॉर, अब कृपया समाप्त करें, समय आपका हो गया, थोड़ा दो मिनट हमको दीजिए, समाप्त एक अध्यक्ष सभापति महोदय, माय हार्ट गोज टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। किसने बोला था? राहुल गांधी जी के दादाजी बोला था, इस सदन में नहीं, आकाशवाणी में बोला था, आकाशवाणी में बोला था। आज मणिपुर के हिंसा के लिए, मणिपुर के परिस्थिति को संभालने के लिए हम लोग है, हम लोग संभाल रहे हैं, लेकिन 1979 से 1985 तक जब इमिग्रेशन एक्सपल्शन के लिए, विदेशी बहिष्कार के लिए जब आंदोलन असम में हुआ था, 855 असम के जवानों को शहीद करने का मानने का काम किसने किया था सभापति महोदय? यही कांग्रेस पार्टी, यही गौरव गगई जी यहाँ बैठा हुआ है। अब आप समाप्त करें सभापति महोदय, थोड़ा दो मिनट हमको दीजिए, समाप्त करें सभापति महोदय, दो मिनट हमको दीजिए, आपका समय हो गया। हम नॉर्थ ईस्ट से है, हम नॉर्थ ईस्ट से है, आप चुप रहे, मैं से हम एक बोल रहा है, एक मिनट सभापति महोदय, प्लीज प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। नॉर्थ ईस्ट में जोड़ने को काम, कम्युनिकेशन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, कनेक्टिविटी से लेकर के, अगर किसी सरकार ने जोड़ने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जोड़ने का काम किया है, रेल नेटवर्क से, एयर नेटवर्क से, रोड नेटवर्क से, इंटरनेट से, अगर किसी ने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा है, नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने काफी पुण्य का भी काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने काफी पुण्य का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब लोगों को अन्न दान किया है, देश के गरीब लोगों को जल दान किया है, देश के गरीब लोगों को उनका घर जो है हाउस उसको दान किया है। कृपया समाप्त करें, अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी और किया है, कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट का सफाया किया है, ये भी अच्छा काम किया है। धन्यवाद। मैं फिर से सभापति महोदय, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट, आज अखिलेश यादव जी अभी बेदिया भी फैजाबाद आप अपनी बात साहब बैठा हुआ है, मैं अपना बोल रहा हूँ, फैजाबाद के एमपी साहब बैठ रहा है, आप अपनी बात, मैं बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव जी आपके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जो निहत्ते कौशलों के ऊपर गोली चलाया था, वो भी हिंदू समाज कभी भूलेगा। भातृद्वय को मैं स्मरण करता हूँ, श्रीमती हरसिमरत कौर, शुक्रिया सर।